Good evening, dear friends, and praise the Lord. और आज की शाम शुभ आप सबको शुभ रात्रि और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका मैं अभिवादन करता हूं. This is our Bible study hour at Life Spring Assembly. और ये समय Life Spring Assembly कलीसिया का बाइबल अध्ययन का समय है. Studying from First Corinthians. और हम पहला कुरिन्थियों की पत्री पर अपने अध्ययन को रखे हुए हैं. The word of the Lord is alive. And it is active. परमेश्वर का जीवन परमेश्वर का वचन जीवित है और कार्यशील है. And it is important therefore for us to understand God's word. और इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है हम सब के लिए कि हम परमेश्वर के वचन को समझने पाएं. We are considering from chapter 11. और हम पहला कुरिन्थियों उसके 11वें अध्याय से अपने अध्ययन को कर रहे हैं. And the main subject there is the Lord's Supper. और जो मुख्य बात वहां पर हो रही है वो है पर प्रभु मेज. And unfortunately at Corinthian church in the name of Lord's Supper there was a number of wrong things began to happen. और दुर्भाग्य ये था कि प्रभु मेज के नाम पर उस कलीसिया के भीतर कई सारी गलत बातें हो रही थी. In connection with that also there were groupisms and division. और प्रभु मेज को प्रभु भोज को लेकर ही उनके बीच में विभाजन था और हर प्रकार से वो एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे थे. And we also saw that God sometimes allow divisions to come. और हमने इस बात को भी देखा कि कई बार परमेश्वर विभाजनों को आने की अनुमति देता है. And it's for a special reason. और ये खास कारण के लिए है. Division allows genuine believers to stand out ever so much more. और क्योंकि ये विभाजन अनुमति देता है जो खरे विश्वासी हैं वो खुल करके सामने आए और दिखाई दे. People who are divisive. और वे लोग जो विभाजन लाते हैं allow genuine believers to shine ever so brightly. वो देते हैं उन विश्वासियों को मौका कि वे खरे विश्वासी और अद्भुत रीत से चमकने पाएं. So there is an encouragement for genuine believers to shine ever so brightly. तो यहाँ पर एक प्रोत्साहन है खरे विश्वासियों के लिए कि वे और ज़्यादा चमकने पाएं. And then there was self-deception. और स्वयं को धोखा देना भी वहां मौजूद था. सेल्फ डिसेप्शन करप्टेड द लॉर्ड्स सपर. और उस खुद को स्वयं को धोखा देने की बात ने प्रभु भोज को दूषित कर दिया. एंड सिंपली पुट इट साधारण रूप में इस तरीके से कह सकते हैं द कोरिंथियंस वर डिसीविंग देमसेल्व्स बाय अलाउइंग ग्रुपिज्म एंड डिविजंस टू बी शोन एट द लॉर्ड्स सपर. कि कुरिन्थ के विश्वासी खुद को विभाजित होना और खुद को विभाजनपन को वो प्रभु भोज में या प्रभु मेज पर दिखा रहे थे. सो इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग एंड ऑनरिंग द लॉर्ड द पीपल वर डिसीविंग देमसेल्व्स. और इसकी बजाय कि वो परमेश्वर को याद करे और उसका आदर करे वो अपने आप को धोखा दे रहे थे. दैट इज द सेकंड थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड. और ये वो दूसरी बात है जो हमें समझनी है. एंड नाउ टुडे वी शैल लुक इनटू द थर्ड प्रॉब्लम. और जो आज की शाम हम तीसरी समस्या की ओर देखेंगे. लुक एट वर्स 21. और 21वें वचन की ओर हम देखें. द कोरिन्थियंस 11:21. पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 11वां अध्याय 21वां वचन. And the passage says, yes, for as you eat, each of you goes ahead without waiting for anybody else. One remains hungry, another gets drunk. क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेते हैं. इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है. So what does this reveal? और ये वचन का भाग किस बात को प्रकाशित करता है? There was selfishness and neglect of others. कि यहाँ पर स्वार्थीपन और दूसरों का तिरस्कार मौजूद था. And this corrupted the Lord's Supper. और इस बात ने प्रभु मेज या प्रभु भोज को दूषित किया. We are a family, remember. याद रखिए हम एक परिवार हैं. We are a community. हम एक समाज हैं. We are a
big community. और हम एक बड़ा समाज है. So one cannot neglect the other member in the family. और इसलिए एक दूसरे परिवार के रिश्ते को या रिश्तेदार को तिरस्कार नहीं कर सकता. And so, but here, that's what happening. You know, neglecting other members, and thus selfishness comes to fore. लेकिन यहाँ पर कुरिन्थ की कलीसिया में ऐसा ही हो रहा था कि वो दूसरे सदस्यों का तिरस्कार कर रहे थे और इसके द्वारा अपने स्वार्थीपन को प्रकट करते And थे. That will corrupt the Lord's Supper. और ये बात प्रभु भोज को दूषित करती है. And when the early church came together. और जब पहली सदी की कलीसिया एक साथ आ गई. And they came together for the love feast. और जब वो प्रेम भोज के लिए एक साथ आते थे. Everyone brought their own food. तो हर एक जन अपना खाना लेकर कर वहाँ आता था. All the food they could bring, they brought. और वो भी जो भी खाना वो ला सकते थे वो लेकर वहाँ पहुँचते थे. The whole idea was for everyone to have a plenty. और पूरा विचार उसके पास ये था कि सबको खाने के लिए पर्याप्त मिले. And including those who could not bring anything. जिसमें वे लोग भी सम्मिलित हैं जो कुछ नहीं ला पाए. And those who had plenty. और जिनके पास बहुतायत से था. They were supposed to bring more than their requirement. उनको ये अनिवार्य था कि वो जितना उन्हें जरूरत है उससे ज्यादा लेकर के आए. So there will be extra plenty. To serve to those who did not have anything. ताकि ज़्यादा वहाँ खाना मौजूद हो ताकि उन लोगों को जिनके पास कुछ नहीं है उनकी वो भी उस भोज का भाग बनने पाए. That is caring for the needy. और यही है दूसरों की या आवश्यकता में पड़े लोगों की सहायता करना या चिंता करना. That is loving others selflessly. और यही है दूसरों से निस्वार्थ प्रेम करना. And those who could not bring, और वे जो कुछ भी नहीं ला सकते थे, they didn't have to wait there, looking others eating and then go hungry. तब उन्हें दूसरों को देखते हुए इंतजार नहीं करना पड़ता था कि वो भूखे वहाँ से जाएंगे. Because there was plenty of food. क्योंकि बहुतायत से खाना वहाँ मौजूद था. And however, लेकिन फिर भी, the Corinthian church began to misuse and abuse the supper. कुरिन्थ की कलीसिया प्रभु भोज को गलत रीति से प्रयोग करने लगी और गलत रीति से उसमें भाग लिया. Instead of sharing, और इसकी बजाय कि वो बांटें, everyone chose to be with their own little groups. हर एक जन ने चुना कि वो अपने छोटे छोटे समूहों के संग रहेंगे. And if they had friends, और अगर उनके पास मित्र थे, they just Share it with the friends. तब उन्होंने अपने मित्रों के संग बांटा. But there are so many other poor people. लेकिन और दूसरे गरीब लोग भी मौजूद थे. Who may not have many friends. जिनके पास हो सकता है कई ज़्यादा मित्र ना हों. And when you neglect them. और जब आप उनका तिरस्कार करते हैं. Your selfishness come to fore. तब आपका स्वार्थीपन सामने प्रकट होता है. Instead of sharing. इसकी बजाय कि आप बांटें. What will happen? You bring shame. आप शर्म को लेकर के आते हैं. And when everybody come prepared to share their blessing, what they have. जब हर एक जन तैयार होकर के आता है अपने हर एक बात को बांटने के लिए जो कुछ उनके पास है. There is love. तब वहाँ पे प्रेम प्रकट होता है. There is concern. तब वहाँ पर एक दूसरे के लिए चिंता महसूस होती है. But if you bring some food and share only among your own family. लेकिन मान लीजिए आप खाना लेकर वहाँ आते हैं और सिर्फ अपने परिवारों के लोगों के संग बांटते हैं. Then how do you treat others who don't have who the maybe poor? तब उनके संग आप कैसा रवैया या व्यवहार रखते हैं जिनके पास कुछ नहीं और वे गरीब हैं? And the result was very tragic. और इसका परिणाम बड़ा खतरनाक था. Some were neglected, having very little to eat. कुछ लोगों को तिरस्कार हुआ इस बात को क्योंकि उनके पास खाने के लिए बहुत कम था. Who were they? और वे कौन थे? They were usually slaves. और ये दास थे. And some indulging, acting as gluttons. और कुछ ऐसे हो रहे थे जो खा खा करके मतवाले हुए जा रहे थे. Even if after they are filled. और इसके बावजूद भी कि उनका पेट भर गया है. They still were eating tasty food and drinking. वो लगातार फिर भी स्वादिष्ट खाने को खाते रहे और पीते रहे. And the
And the third problem was. और जो तीसरी समस्या, चौथी समस्या थी. And some were treating it as a social occasion. कि कई सारे लोग इस बात को एक सामाजिक सहभागिता के रूप में ले रहे थे. Drinking and getting drunk. और पीना और मतवाले होने को लेकर. You see the problem. आप वहाँ पर समस्या को देखिए. Imagine the scene. और सोचिए इस दृश्य को अपने दिमाग में. No real genuine Christian fellowship. कोई भी सच्ची मसीही सहभागिता वहां नहीं हो रही. No loving one another. ना ही एक दूसरे से प्रेम करना. And where there is no love, God does not exist there. और जहां पर एक दूसरे के लिए प्रेम नहीं होता, वहां परमेश्वर नहीं होता. Even though there was the bread and the cup. और भले ही वहां पर वो प्याला और रोटी मौजूद था. They were not celebrating the Lord's Supper. वो पर प्रभु मेज को नहीं मना रहे थे. What they were celebrating was totally meaningless and useless. और जो वो मना रहे थे वो संपूर्ण रीति से अर्थहीन था. They were celebrating their own wealth. वो अपने समृद्धि, अपने धन का उत्साह मना रहे थे. Not willing to share with others. और दूसरों के संग बांटने के लिए तैयार नहीं थे. It was more of a feast to the evil spirit of selfishness. और ये तो एक दुष्ट आत्माओं के लिए एक उत्सव था, जो स्वार्थी उत्सव था. And then indulgent. और खुद को उसमें देना या डुबा लेना. And they were not celebrating anything, not to the Lord. और वो परमेश्वर के लिए किसी भी बात का उत्साह नहीं मना रहे थे. So, let us get into the next point note. आइए हम आगे बढ़कर एक आगे की बात पर बढ़ेंगे और देखेंगे वहाँ क्या कहता है. What was the result? उसका परिणाम क्या हुआ? There was the abuse of the sanctity of the church. तब वहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे कलीसिया की शुद्धता को दूषित किया गया. What is the church? कलीसिया क्या है? The church is the body of Christ. कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की देह है. When can you imagine if some members of the body, I mean members of the body faculties, some grow and outgrow? क्या आप सोच सकते हैं, विचार सकते हैं कि देह के कुछ अंग तो बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं. Whereas some other faculty, they become thinner and leaner and weaker. लेकिन जबकि दूसरे हाथ पर देह के दूसरे अंग, कुछ ऐसे अंग भी हैं जो पतले और कमजोर होते चले जाते हैं. Same body. और एक ही देह. But how does that body look like? लेकिन ये देह कैसी दिखती है? Some parts are bulging out. कि कुछ जो शरीर के अंग हैं या देह के अंग हैं वो बाहर निकल रहे हैं. Some parts are completely empty. और कुछ अंग ऐसे हैं जो संपूर्ण रीति से खाली हो चुके हैं. And that's the sanctity of the church and the shaming of the poor which corrupted the Lord's Supper. और इसलिए कलीसिया की शुद्धता को दूषित किया गया और जो गरीबों को, जो गरीब जगह से आए थे, उनको नीचा दिखाने के द्वारा उन्होंने ऐसा किया. So for their shame. और उनकी लज्जा के लिए. Apostle Paul put forth this question. पौलुस प्रेरित इस सवाल को उनके सम्मुख रखता है. Do you not have houses in which to eat and drink as much as you want? क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं है? The church is not the place for that. It is a place of worship. कलीसिया ऐसे खाने पीने का स्थान नहीं है, लेकिन कलीसिया तो आराधना का स्थान है. Are you not abusing the place? क्या तुम उस स्थान को दूषित नहीं करते? And neglecting and shaming the poor by your indulgence? और परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो और दूसरों को लज्जित करते हो अपना ऐसा करने के द्वारा. You are watching the poor standing aloof somewhere and watching you eating while they go hungry. और तुम तो उन गरीबों को देखते हो कि वो तुम्हें देखते हैं तुम कैसे खाते हो जबकि वो भूखे खड़े रहते हैं. Then there is a question, Paul's penetrating question. और तब एक और सवाल को पौलुस, भेदने वाले सवाल को वहां पूछता है. Shall I praise you for this? क्या इस बात के लिए मैं तुम्हारी प्रशंसा करूं? Certainly not. नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता. Friends, when we belong to a family,
और मेरे मित्रों, जब हम एक परिवार का हिस्सा है, Every family member is important. तब याद रखिए, परिवार का हर एक सदस्य महत्वपूर्ण है. When you belong to a community, जब आप एक समाज का हिस्सा हैं, Every family in the community is important. तब हर एक परिवार उस अंग में या हर एक सदस्य उस देह का महत्वपूर्ण है. On the day of Pentecost, और उस पेंटेकोस्ट के दिन, and the days following that. और उसके जो आगे के दिन आगे चले, How was the church? कलीसिया कैसी थी? Read chapter 2 of Acts. प्रेरितों के कार्य उसके दूसरे अध्याय को पढ़िए. And we find that original church of the Lord Jesus Christ truly displayed to the world that they are truly the body. The Lord Jesus Christ. तब हम देखते हैं किस प्रकार से उस कलीसिया ने इस बात को बड़ी स्पष्टता और सच्चाई से दिखाया कि वे सच में प्रभु यीशु मसीह की देह हैं। They considered everything as common. और उन्होंने हर एक बात को आपस में साझा किया। The rich brought what they had. और जो धनवान थे, समृद्ध थे, वो लेकर के आए जो कुछ उनके पास था। That was plenty. और वो बहुतायत से था। The family sold their property. और कई परिवारों ने अपनी संपत्तियां बेच दी। And brought them to the apostles' feet. और उस पैसे को प्रेरितों के चरणों पर ले आए। To be distributed among the distributed to the poor. ताकि गरीबों के बीच उसे बांटा जा सके. So there was no rich, there was no poor. तो याद रखिए, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं था. Everybody shared. हर एक व्यक्ति ने आपस में साझा किया. Oh, what a joy it is. और ये कितने आनंद की बात थी. No wonder the presence of God was so mighty. और ये इसीलिए परमेश्वर का उपस्थिति बहुत तायत और शक्तिशाली रूप से वहां मौजूद था. The miracles and wonders just kept on happening. और वो चिन्ह और चमत्कार वहां निरंतर होते चले गए. And may this community life return to the church. और होने दे ये सामाजिक जीवन कलीसिया के पास वापस लौटने पाए. Or shall we say like this? और या हम ऐसा कह सकते हैं? Let us return to the community life. कि आइए हम सब वापस उस सामाजिक जीवन की ओर लौट चलें. Let us return to the family way. और आइए हम वो पारिवारिक तरीकों की ओर लौट चलें. That everyone has enough. कि हर एक के पास खाने के लिए बहुतायत से हो. And my friends, that is expression of love. और मेरे मित्रों, ये बात प्रेम को दर्शाती है. In the early church, और पहली सदी की कलीसिया में, they loved so much each other, वो एक दूसरे से इतना प्रेम रखते थे, that the world began to take note of their love, कि संसार उनके प्रेम का को देखने लगा, so they started making comment, और उन्होंने इस बात को बोलना शुरू किया, look how this church people, देखो कैसे ये कलीसिया के लोग, how they love each other, कैसे ये एक दूसरे से प्रेम रखते हैं. They are concerned about everybody. ये एक हर एक के चिंता करते हैं. They did not neglect the poor. और वो गरीबों की तिरस्कार नहीं करते. They also ate like the rich people ate. उन्होंने अमीरों के समान, धनवानों के समान खाए. Because they were eating food brought by the rich people. क्योंकि वो उसी खाने को खाते थे जो अमीर या धनवान लेकर के आते थे. And so there was no rich or poor or no distinction. और इसलिए कोई अमीर, कोई गरीब, कोई अंतर पहली सदी की कलीसिया में नहीं था. How wonderful if the church would return to this. और कितना अद्भुत होगा अगर कलीसिया इसी बात की ओर वापस लौट आए. Division will disappear. और विभाजन भाग जाएगा. Selfishness will disappear. स्वार्थीपन गायब हो जाएगा. It is just like a community, a family that God designed. और ये तो सिर्फ एक उसी समाज के समान हो जाएगा जिसे परमेश्वर ने बनाया. Let us pray for this. आइए इसके लिए हम प्रार्थना करें. Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह, we thank you for your church, your body. हम धन्यवाद करते हैं तेरे देह, तेरी कलीसिया के लिए. One body. एक देह. And every part of the body must grow together. और देह के हर एक अंग को एक साथ बढ़ना है. So that the whole body will look beautiful and in good shape. ताकि ये पूरी देह सुंदर और एक समान दिखने पाए. Not just one part of the body or one side of the body alone is growing. ना कि शरीर का सिर्फ एक भाग या एक अंग बढ़ रहा है. So Lord, we commit ourselves to you. और इसलिए परमेश्वर, हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं. May the Holy Spirit
enable us. होने दे पवित्र आत्मा हमें सशक्त बनाए. To love one another so very dearly. ताकि हम एक दूसरे से बहुत आयत से प्रेम रखें. I praise you, Lord. हम आपकी स्तुति करते हैं. May your word abide in us. होने दे तेरा वचन हम में बहुत आयत से बना रहे. May we be willing to share what God has given us. और होने दे हम उन सारी बातों को बांटने पाएं जो परमेश्वर ने हमें दी. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. God bless you, my brothers and sisters. मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे. Have a good night. एक अच्छी रात्रि आपकी बीते. Worship the Lord before you. और परमेश्वर की आराधना करें इससे पहले कि आप सोएं. Thank you. धन्यवाद. Jesus' name. यीशु के नाम. Amen.